तो प्रश्न का अगला प्रकार है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, जहां पर सी इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए प्लस बी स्क्वायर के रूप में समीकरण के हल। तो मान लो ए इक्वल टू आर कॉस अल्फा और बी इक्वल टू आर साइन अल्फा हो, तब हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस अल्फा इक्वल टू ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिया हुआ समीकरण है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। तो यहां से हम लिख सकते हैं आर कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस आर साइन अल्फा इंटू साइन थीटा इक्वल टू सी। आर को यदि हम पक्षांतर कर दे तो हमें मिलेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन थीटा इक्वल टू सी बाई आर और इक्वल टू सी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि हमने देखा था कि आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला था। तो कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा होगा। माना कि कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। तो यहां से हमें मिलेगा थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस बीटा। तो थीटा बराबर टू एन पाई प्लस अल्फा और फिर प्लस माइनस बीटा। यहां पर अल्फा बीटा उपकोण कहलाते हैं। यदि सी इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होता है। समीकरण को हल करने की क्रियाविधि, पहला समीकरण के दोनों पक्षों में स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दो, फिर बाएं पक्ष को कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फा या फिर साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फा के रूप में लिखिए, दाएं पक्ष की राशि जो कि एक से कम होनी चाहिए उसको संगत त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए, फिर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा या फिर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के लिए प्रयुक्त व्यापक हल की विधि से अभीष्ट हल प्राप्त कीजिए। आगे देखते हैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का न्यूनतम और महत्तम मान। तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा। आगे सरल करने पर हमें मिलेगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी के सूत्र का उपयोग करके आगे हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा। चूंकि कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा का न्यूनतम मान ऋण एक का अधिकतम मान एक है, तो दिए गए व्यंजक ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का न्यूनतम मान माइनस स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा अधिकतम मान स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। समीकरणों को हल कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कॉस थीटा माइनस रूट थ्री साइन थीटा इक्वल टू वन। तो इस तरीके के जो भी समीकरण दिए होते हैं जिसमें ए कॉस अल्फा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी इस फॉर्म में दिया होता है तो उसे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देते हैं। अर्थात मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है, समीकरण एक को स्क्वायर रूट ओवर कॉस थीटा का जो गुणांक है ये वन है और साइन थीटा का जो गुणांक है ये माइनस रूट थ्री है इक्वल टू, जब इसे सॉल्व करेंगे तो रूट थ्री यहाँ से इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा रूट ओवर फोर अर्थात टू। तो दो से हम भाग देंगे तो ये आपको मिल जाएगा कॉस थीटा ये वन अपॉन टू फिर कॉस थीटा फिर माइनस रूट थ्री अपॉन टू साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई थ्री इंटू कॉस थीटा माइनस साइन पाई बाई थ्री इंटू साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू, या फिर ये वन अपॉन टू को आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई थ्री कॉस पाई बाई थ्री। ये कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला है तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस पाई बाई थ्री
इक्वल टू कॉस पाई बाई थ्री। और आपको ये पता है कि जब कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं थीटा के स्थान पर है थीटा प्लस पाई बाई थ्री इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा यहाँ पर है पाई बाई थ्री। तो आगे जब इसे आप हल करेंगे, एक बार आप प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे और एक बार माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको थीटा इक्वल टू मिलेगा 2n पाई, जब प्लस यूज़ करेंगे तो मिलेगा थीटा इक्वल टू 2n पाई, और जब माइनस साइन का उपयोग करेंगे तो मिलेगा थीटा इक्वल टू 2n माइनस 2/3 इंटू पाई वेयर n बिलोंग्स टू i। और यही आपका अभीष्ट हल है जो हमें चाहिए था। दूसरा प्रश्न है √3 cos θ + sin θ = 1। तो इसे हल करने के लिए हम लिखेंगे समीकरण एक को स्क्वायर रूट ओवर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 4, और इसका स्क्वायर रूट 2। तो अर्थात समीकरण एक को 2 से भाग देंगे तो ये आपको मिल जाएगा √3/2 cos θ + 1/2 sin θ = 1/2। और ये इसे आप लिख सकते हैं cos π/6 cos θ + sin π/6 sin θ, और 1/2 को लिखा जा सकता है cos π/3। तो ये cos a माइनस b का फार्मूला है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं cos θ - π/6 = cos π/3। और आपको ये पता है कि जब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो तो आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो इसके उपयोग से आप लिख सकते हैं θ - π/6 = 2n π + π/3। तो जब आप धनात्मक चिन्ह लेंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा θ - π/6 = 2n π + π/3। ये मिल जाएगा θ = 2n π + π/3, और ये माइनस उधर जाकर के हो जाएगा +π/6। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2n π प्लस LCM आएगा 6, और ये मिल जाएगा 2π + π, दैट इज 3π। 3π/6 करेंगे तो मिल जाएगा π/2। तो इस तरीके से मिल रहा है θ = 2n π + π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i। ये एक मान मिला है, यहाँ पर हम प्लस साइन को ले रहे हैं, और माइनस साइन लेने पर आपको मिल जाएगा θ - π/6 = 2n π - π/3। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा θ = 2n π, और ये π/6 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, और ये -π/3। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2n π प्लस LCM आएगा 6, और ये π - 2π मिल जाएगा θ = 2n π और -π/6 वेयर n बिलोंग्स टू i। और ये दिए गए समीकरण का हल है। तो दो हल प्राप्त हुए, एक प्लस चिन्ह लेने पर और ये दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर। इसमें तीसरा प्रश्न है √3 sin θ - cos θ = √2। तो इस यहाँ पर भी हम समीकरण को 2 से भाग देंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा √3/2 sin θ - 1/2 cos θ = √2/2, और इसे और आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1/√2। आगे इसे लिखा जा सकता है cos π/6 × sin θ - sin π/6 cos θ = sin π/4। ये sin ऑफ a माइनस b का फार्मूला है, sin ऑफ θ
थीटा माइनस पाई बाय सिक्स इक्वल टू साइन पाई बाय फोर। तो जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा। इसका उपयोग करेंगे तो मिल जाएगा थीटा माइनस पाई बाय सिक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू पाई बाय फोर। और पाई बाय सिक्स को पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन पाई बाय फोर प्लस पाई बाय सिक्स वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो इस तरीके से ये इस दिए गए समीकरण का व्यापक हल है। इसमें चौथा प्रश्न है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट टू। तो समीकरण को दो से भाग देने पर इस प्रकार के जितने प्रश्न हैं जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा के लीनियर कॉम्बिनेशन है योग के रूप में, तो इसमें हम स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात कॉस थीटा का गुणांक और साइन थीटा का गुणांक दोनों को अलग अलग वर्ग करके जोड़ेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। समीकरण को वर्गमूल दो से भाग देने पर आपको मिल जाएगा वन बाई रूट टू साइन थीटा प्लस वन बाई रूट टू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट टू बाई रूट टू, ये इक्वल टू मिल जाएगा माइनस वन। तो आगे इसे लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई फोर साइन माइनस वन को साइन के मुख्य मान के रूप में लिखना हो तो मैं लिखूँगा साइन थ्री पाई बाई टू, या साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन के लिए अगर आप मुख्य मान निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन थ्री पाई बाई टू। और इसे लिखा जा सकता है साइन ऑफ ए प्लस बी अर्थात थीटा प्लस पाई बाई फोर, और ये इक्वल टू है साइन थ्री पाई बाई टू। तो आपको ये पता है कि जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू होता है एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें मिलेगा थीटा प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान है थ्री पाई बाई टू। और जब पाई बाई फोर को पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन थ्री पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर वेयर एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। एन जो है वो पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय का अवयव है। तो ये हमें प्राप्त हुआ दिए गए समीकरण का हल। अगला प्रश्न है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू रूट थ्री। इसे हल करने के लिए हम कोसेक को साइन के पदों में लिख लेते हैं तो ये वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा को हम लिख लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री। दोनों का हर समान राशि है तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा को पक्षांतर कर दे तो मिल जाएगा रूट थ्री साइन थीटा। और इस पदों को राइट हैंड साइड पे ले आते हैं तो ये मिल जाएगा रूट थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वन। तो दोनों पदों को दो से हम भाग देंगे। समीकरण एक को वर्गमूल ये साइन थीटा का जो गुणांक है वो कॉस थीटा का जो गुणांक है वो दोनों का वर्ग करके योग करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो मिल जाएगा दो। तो इस संख्या से भाग देने पर, तो इसे जब भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा रूट थ्री अपॉन टू साइन थीटा माइनस वन अपॉन टू कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू। तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाय सिक्स साइन थीटा माइनस साइन पाई बाय सिक्स कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय टू, और वन बाय टू को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय सिक्स। तो ये साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन है तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस पाई बाय सिक्स इक्वल टू साइन पाई बाय सिक्स। तो आपको यह पता है कि जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा। तो यहां से आपको मिल जाएगा थीटा माइनस पाई बाय सिक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन
पाई बाय सिक्स, या फिर थीटा इक्वल टू, ये पाई बाय सिक्स को पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय सिक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये दिए गए समीकरण का हल है। तो अगले प्रश्न में दिया गया है टेन थीटा माइनस रूट टू सेक थीटा इक्वल टू रूट थ्री। तो इस प्रश्न को भी हम साइन और कॉस के पदों में सरल कर लेते हैं। टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा। तो इन दोनों पदों में जो हर है ये कॉस थीटा है, समान है, तो इस वजह से हम उसका पक्षांतर कर देते हैं तो मिल जाएगा साइन थीटा माइनस रूट टू इक्वल टू रूट थ्री कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस रूट थ्री कॉस थीटा और ये जो रूट टू है इसको मैंने पक्षांतर कर दिया, और ये रूट थ्री कॉस थीटा को भी मैंने पक्षांतर कर दिया। तो अब मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है, तो समीकरण एक को वर्गमूल साइन का जो गुणांक है ये एक है, कॉस थीटा का गुणांक है माइनस रूट थ्री, इसका स्क्वायर इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा टू। इससे भाग देने पर, इसे जब भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा वन बाई टू साइन थीटा माइनस रूट थ्री बाई टू कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू अपॉन टू, या फिर सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा वन अपॉन रूट टू। तो इसे लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई थ्री साइन थीटा माइनस साइन पाई बाई थ्री कॉस थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई फोर। ये साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन है, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू साइन पाई बाई फोर। और आपको पता है जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा। इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं थीटा माइनस पाई बाई थ्री इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान है पाई बाई फोर। या फिर हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन पाई बाई फोर प्लस पाई बाई थीटा, वेयर एन बिलोंग्स टू आई, या फिर सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये दिए गए समीकरण का हल है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि समीकरण को हल कीजिए। यदि tan 21 डिग्री 48 मिनट इक्वल टू 0.4 है, और हमें जो समीकरण दिया गया है ये है 5 sin theta प्लस 2 cos theta इक्वल टू 5। तो चलिए इसे हल करते हैं। माना कि जो दिया गया है 5 sin theta ये और प्लस 2 cos theta इक्वल टू 5, ये समीकरण एक है। अब समीकरण एक को स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा रूट ओवर 29 से भाग देने पर, से जब भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 5 अपॉन रूट 29 साइन थीटा प्लस 2 अपॉन रूट 29 कॉस थीटा इक्वल टू 5 अपॉन रूट 29। मान लेते हैं कि यह समीकरण दो है। दिया गया है कि tan 21 डिग्री 48 सेकंड ये 0.4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 5। तो जब tan का मान, tan 21 डिग्री 48 मिनट का मान ये है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं sin 21 डिग्री 48 मिनट का जो मान होगा ये 2 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन रूट 29 होगा, तथा cos 21 डिग्री 48 सेकंड इसका मान 5 अपॉन
रूट ओवर 29 होगा। तो इस तरीके से समीकरण दो को, ये समीकरण है, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। कॉस 21 डिग्री 48 सेकेंड इंटू साइन थीटा प्लस साइन 21 डिग्री 48 सेकेंड इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 21 डिग्री 48 सेकेंड। सो ये जो है इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 21 डिग्री 48 सेकेंड इक्वल टू कॉस 21 डिग्री 48 सेकेंड, या फिर इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री 48 सेकेंड। और इसे जब आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन 68 डिग्री 12 सेकेंड। और जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो आप लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फा। यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा प्लस 21 डिग्री 48 सेकेंड इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फा, और अल्फा का मान है 68 डिग्री 12 सेकेंड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, पाई के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ 180, तो ये n इंटू 180 प्लस माइनस वन का पावर n 68 डिग्री 12 सेकेंड माइनस 21 डिग्री 48 सेकेंड वेयर n बिलोंग्स टू i। ये दिए गए समीकरण का हल है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है, दिए गए व्यंजक का न्यूनतम और महत्तम मान ज्ञात कीजिए। तो जो व्यंजक हमें दिया गया है यह है 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा। तो इसे हल करते हैं। दिया गया व्यंजक जो है यह है 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा। तो स्क्वायर रूट या वर्गमूल के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 169, और इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 13। तो इसमें हम 13 का को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 13 को डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये इक्वलिटी बनी रहे, और ये प्लस 12 अपॉन 3 इंटू साइन थीटा। चूँकि स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13, तो इसे आप लिख सकते हैं 13 इंटू कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, जहां पर टेन अल्फा जो है ये 12 अपॉन 5 है। ये कॉस अल्फा और साइन अल्फा दोनों का जो अपॉन करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेन अल्फा, ये 12 अपॉन 5। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं 13 इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा। चूँकि कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा का न्यूनतम मान माइनस वन और महत्तम मान प्लस वन है, अतः 13 कॉस थीटा माइनस अल्फा अर्थात व्यंजक जो हमें दिया गया था, दिए गए व्यंजक का न्यूनतम मान माइनस 13 और महत्तम मान प्लस 13 है। अगला प्रश्न है, 7 कॉस थीटा प्लस 24 साइन थीटा
इस दिए गए व्यंजक का महत्तम व न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके गुणांक का वर्ग और इसके गुणांक का वर्ग कर लेते हैं। ये आपको मिल जाएगा 49 + 576। इसे सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 625 का स्क्वायर रूट, और सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 25। तो हम लिखेंगे कि 7 cos θ + 24 sin θ। इसमें हम 25 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 25 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये मिल जाएगा ये व्यंजक। अब इसे हम आगे लिख सकते हैं 25 cos α cos θ + sin α sin θ, और यहाँ पर जो tan अल्फ़ा है ये 24/7 है। देखिए sin अल्फ़ा 24/25, cos अल्फ़ा 7/25। तो sin अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा करेंगे तो मिल जाएगा आपको tan अल्फ़ा। तो इस तरीके से इसे हम आगे लिख सकते हैं 25 cos θ - α। अब पुनः चूंकि cos थीटा माइनस अल्फा का न्यूनतम मान -1 व महत्तम मान +1 है, अतः 25 cos θ - α अर्थात दिए गए व्यंजक जो दिया गया था 7 cos θ + 24 sin θ का न्यूनतम मान, इसका मान -1 न्यूनतम मान है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा -25, और महत्तम मान +25 है।